क्या आप लिथुआनिया में जॉब करना चाहते हैं? तो लिथुआनिया में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है बहुत ज्यादा लोगों के लिए भाई। पता है क्यों? क्योंकि लिथुआनिया में जो लोग रहते हैं ना, वहाँ के जो लोकल हैं, वो लोग लिथुआनिया में नॉट जॉब करके जो है वहाँ पर मोस्टली जो है वो लोग लिथुआनिया को छोड़ के जो है दूसरे कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि लिथुआनिया में उन्हें कम सैलरी मिल रही है और लिथुआनिया के बाहर जैसे वो जाते हैं उन्हें अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है, इसके लिए वो लोग वहां से चले जा रहे हैं। अगर आप एक इंडियन हो, अगर आप इंडिया से लिथुआनिया जाते हो तो आपकी जो सैलरी होगी भाई 800 यूरो से लेके आपको जो है मिलने वाले हैं 2,000-3,000-4,000 यूरो तक मिलने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वर्क वीजा का क्या प्रोसेस होता है, आपको वर्क वीजा कैसे मिलेगा, कंपनी में कौन सी कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी, बहुत अच्छे लेवल पर हैं तो भी, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है भाई, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपना यूरो होता है वो इंडियन करेंसी में से कितना बड़ा है, ठीक है। मीन्स एक यूरो का जो होता है 90.95 रुपये का प्राइस है। अब हम जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं भाई, ये देखो, ये पहली वेबसाइट है foodpanda.com। तो यहाँ पर जो करियर का ऑप्शन आपको शो कर देता है, देखो आपको किसी भी वेबसाइट पर जब भी आप अप्लाई करो तो सबसे पहले आपके पास CV होना चाहिए और कवर लेटर होना चाहिए, तभी आप जाकर जो है आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको करियर का ऑप्शन दिखता है, कुछ पे कॉन्टैक्टर्स का रहता है, कुछ में जॉब से रिलेटेड रहता है, तो आपको देख लेना है वो चीज़। तो यहाँ पर करियर के ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दे दिया है हंग्री टू मेक, यहाँ पर जॉब्स का एक ऑप्शन आ गया है, तो जॉब्स के वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप जॉब्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि 10 समय यहाँ पर जॉब्स शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके आपको 100 कर देना है। यहाँ पर अब आपको एक बार में जो ए लेटर से जेड लेटर तक शुरू होता है सारे जॉब यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये कोई एक कंट्री का नहीं, लिथुआनिया का नहीं है, सारे बहुत सारे देश का है। तो अभी आगे की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ लिथुआनिया कंट्री का, फिलहाल आप देख लो इस वेबसाइट को भी। यहाँ पर पांडा मार्ट में हांगकांग में जो है वहाँ पर भी जरूरत है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, अकाउंट मैनेजमेंट की जरूरत है। नीचे आ जाओ तो नीचे भी बहुत सारे यहाँ पर देखोगे एसोसिएट की जरूरत है, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग भाई पोस्ट के लिए यहाँ पर जॉब है, डेटा एनालिटिक्स की जरूरत है। अब यहाँ पर देखते हैं डेटा एनालिटिक्स जो भी है बांग्लादेश में है भाई, इसकी जरूरत है, और डेटा एनालिटिक्स म्यांमार में जरूरत है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी कंट्री में भी, यहाँ पर फिलीपींस में जा सकते हो, मलेशिया के लिए देखो फिनटेक सीनियर मैनेजर की जरूरत है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पर सैलरी भाई। तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर कैसे आप अप्लाई करोगे, नीचे एकदम आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन अपना डालना है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कोई भी वेबसाइट पर अप्लाई करने से पहले आपके पास जो है रिज्यूम एंड सीवी होना चाहिए, तो ये यहाँ पर अटैच कर देना अपना रिज्यूम है और इसे अपलोड कर देना है, और यहाँ पर सीवी को अपलोड कर देना है, यहाँ पर अपना स्कूल, आपने जो भी स्कूलिंग करी है वो सारी डिटेल डाल देना है, और उसके बाद अपने डिग्री जहाँ से लिए, जो भी डिग्री आपने लिए वो डाल देना है आपको, फिर एड अनदर क्वालिफिकेशन डाल देना है एजुकेशन। लिंक्डइन पर प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए कंपलसरी, देखो लिंक्डइन प्रोफाइल स्टार इसको दिया, मतलब आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए, बिना लिंक्डइन प्रोफाइल के आप नहीं जा अप्लाई कर सकते इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। और व्हाट इज योर करंट मंथली सैलरी, अभी इस महीने में पर मंथ आपकी कितनी सैलरी है, और जो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी आपको दे, आर यू एन इंटरमीडिएट स्टार्टर, इफ नॉट व्हाट्स इन योर नोटिस पीरियड, ये पूरा डिटेल डाल के आप सबमिट एप्लीकेशन पर कर दोगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा जॉब के लिए, और वहां से आगे से वो लोग आपको फिर कॉन्टेक्ट करेंगे। अब आगे वाले नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर बात करते हैं, तो ये bluelotus.lt। अब इस वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टेक्टर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। कॉन्टेक्टर्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इनका जो है आपको मेल आईडी मिल जाएगा, यहाँ पर मेल आईडी के ऊपर जो है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मेल आईडी पर जो है आपको क्या करना है कि आपका जो भी सीवी है इन्हें मेल कर देना। आप जैसे इनको मेल कर देते हो तो ये जो है इनके पास जैसे जॉब की वैकेंसी आती है तो ये लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अगर वेबसाइट की बात करें तो इसका नाम है nofox.lt। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कांटेक्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कांटेक्टर्स के बाद देखोगे करियर का भी ऑप्शन शो कर रहा है, तो करियर के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखो करियर का जहां भी ऑप्शन दे रहा है ना, जिस भी वेबसाइट पर आप उस वहां जो है डायरेक्ट जो है कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और कंपनी को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब इनके साथ अगर काम आपको करना है तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सारी डिटेल आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इनको जो जरूरत है यहाँ पर देखो पूरा इन लोगों ने लिखा है, राइट अस बाय मेल, यहाँ पर आप इन्हें हेजिटेट एंड कॉन्ट्रैक्ट अस, मतलब कि आप डोंट हेजिटेट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है डोंट हेजिटेट एंड कॉन्टैक्ट अस, राइट अस बाय ईमेल एंड श्योर टू एड योर रिज्यूम एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। मींस आपको अपना रिज्यूम ऐड करना नहीं भूलना है और ये आपको बहुत ही जल्द कांटेक्ट करेंगे जैसे इनके पास वैकेंसी आती है। तो आपको info@nofox.lt
LT का मतलब होता है लिथुआनिया, लिथुआनिया जॉब के ऊपर हमारी बात हो रही है, तो आप इस ईमेल पर जो है आप मेल कर सकते हैं। अभी नोट डाउन कर लो भाई, वीडियो को स्टॉप करके आप ईमेल आईडी को लिख भी सकते हो और इस ईमेल आईडी पर आप जो अपना CV मेल करो, जो भी हम वीडियो बनाते रहते हैं भाई। आप बस हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी एवरीडे का अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो हर दिन आपको नया जॉब, नई वैकेंसी, नई लोकेशन, नई कंट्री, नया देश, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस आपको हर दिन ट्राई करना होगा, हर एक वेबसाइट पर ट्राई करना होगा, किसी ना किसी दिन आपको जॉब के लिए कॉल जरूर आएगा, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी दिन जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वेबसाइट आता है वो है टॉल्टी करके है, और यहाँ पर देखो बैक अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिखता है। देखो ये वेबसाइट है tolti.lt, इस वेबसाइट का, और नीचे जो है जॉब प्रपोजल है, जॉब प्रपोजल के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉल्टी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरानाई करके लिखा है, जॉब प्रपोजल है, वी आर करंटली लुकिंग फॉर, यहाँ पर देखो ये मैन सेफ्स की जरूरत है, इनको सेफ की जरूरत है, कोल्ड मील प्रिपेयर की जरूरत है, इनडोर वालों की जरूरत है, बीट बेकर की जरूरत है, डेजर्ट प्रिपरेटर की जरूरत है, सेफ असिस्टेंट की जरूरत है, पिज्जा मेकर की जरूरत है, बारटेंडर की जरूरत है, वेटर की जरूरत है। तो यहां पर इस तरीके का है, यहां इन लोगों ने लिखा है वी गारंटी गुड वर्किंग कंडीशन, अ फ्रेंडली टीम एंड अ टाइमली कॉम्पिटिटिव सैलरी, वी आर वेरी मच वेटिंग फॉर योर लेटर बाय ईमेल बाय मेल। इन लोगों ने भी बोला है कि आप हमें अपना मेल, योर वर्क हिस्ट्री CV अटैच टू द लेटर, ग्रेटली फैसिलिटेटेड सिलेक्शन फॉर अस, मींस वो आपको सिलेक्शन तभी करेंगे, आपका वो करेंगे जब आप इनके मेल पर जो है आप CV इन्हें सेंड कर देते हो। अगर आप CV सही तरीके से भेज देते हो, सेंड कर देते हो, तो ये आपसे टच में रहेंगे, ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, जैसे इनके पास, इनके टीम के पास टाइम मिलता है तो ये आपसे टच में रहेंगे भाई, आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो यही है, जॉब अप्लाई करना बहुत ईजी है। वर्क वीजा क्या प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को आप पूरा देखते रहो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साथ आ जाता है नेक्स्ट जो है, ये वेबसाइट है भाई swissindianraja.lt वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इनकी भी मेल आईडी मिल जाती है, कॉन्टेक्ट अस में आप आके चेक कर सकते हो, इनके मेल आईडी पर भी आप मेल कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है brooklyn.lt, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको अबाउट अस में आ जाना है, यहाँ पर भी आपको मेल आईडी मिल जाती है, सेम यहाँ पर भी इसी मेल पर आपको जो है मेल कर देना है अपना CV लेटर, CV और कवर लेटर, ये दोनों को मेल कर देना है। तो इजीली भाई आजकल जॉब मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली जो है जॉब कर सकते हैं, तो आपको लिथुआनिया में जॉब मिल जाएगी। आने वाली वीडियो जो है लिथुआनिया के ऊपर होने वाली है, और कई सारी बना दूंगा मैं, जो डिलीवरी जॉब से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए, कुरियर जॉब के लिए, डिलीवरी बॉय के लिए आप जाते हो, या फिर कोई एक अच्छे स्किल पर जाते हो, तो आप लोग को इजीली जॉब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें वर्क वीजा लेना होगा तो क्या प्रोसीजर है उसका। तो वर्क वीजा लेना बहुत ही इजी है। वर्क वीजा लेने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, अगर वो कंपनी आपको हायर करती है तो वो आपको खुद ही, वो लोग आपको वर्क वीजा दिला देंगे, आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर चाहते हैं आप खुद से वर्क वीजा लेना, तो अगर आप खुद से वर्क वीजा लेना चाहते हैं लिथुआनिया का, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले कंपनी, किसी भी कंपनी में आपका जॉब लगा हुआ होना चाहिए। जॉब लगा हुआ होना का मतलब कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। ऑफर लेटर तभी आपको मिलेगा जब आप इन सारी वेबसाइट पर जाकर अपना CV और कवर लेटर उन्हें सेंड करते हैं। जब CV और कवर लेटर आप उन्हें सेंड करेंगे, तब जाकर वो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, आपका इंटरव्यू लेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बाद कहीं जाकर आपका जॉब लगेगा, उसके बाद वहां से आपको ऑफर लेटर मिलेगा, कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा वो चीज मिलेगा, वो दोनों आपके पास होने चाहिए वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए इंडिया से। और आपके पास पासपोर्ट का जो है बैक एंड लास्ट का कवर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपका जो है आइटिनरी होना चाहिए, आप लिथुआनिया जाकर कहां स्टे करने वाले, तो booking.com से वहां पर कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस का जो है आप बुक कर लीजिए, वो आप दिखा दीजिए। तो ये इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, और आपके पास फंड होना चाहिए मिनिमम, तो भाई 1,00,000 रुपए तक होना चाहिए लिथुआनिया जाने के लिए। तो ये कुछ है मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होना चाहिए, तब आप जाकर वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन आप कैसे करेंगे। ऑफलाइन करने के लिए आप जो किसी भी एजेंट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक 80,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख कितना भी वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्फ से करते हैं तो कोई चार्ज इसका नहीं लगता है, ठीक है। जो भी वीजा का कॉस्ट आएगा वही आपको भरना होगा। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो वहां पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चेक करना कि वो फ्रॉड है कि ओरिजिनल है, क्या है, वो आपको वेरीफाइड करना होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा जो लोग हमें ऐसे कॉल करते हैं कि भाई आप हमें इस कंट्री का वीजा दिला दो, वर्क वीजा दिला दो। तो मैं आप लोगों से साफ साफ कह देता हूं कि हम लोग जो है एजेंट नहीं है, ना ही हम लोग किसी को वीजा दिलाते हैं, वर्क वीजा हम लोग किसी को नहीं दिलाते हैं। तो आप लोगों को जो हम बता देते हैं जॉब, जो भी अपडेट आता है वो हम चीजें आपको बताते हैं, आपको वर्क वीजा कैसे मिलेगा सारी चीजें हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो प्लीज आप लोग
बात करिए आप लोग, जो आप लोग हमें वही लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए जिनको जो है सीवी कवर लेटर बनवाना है, तो वो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उनका जो है सीवी और कवर लेटर प्रोफेशनल वाला बनाकर हम दे देंगे उन्हें, और जो भी इसका चार्ज होगा वो आप पे कर देना भाई, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। प्रीमियम लुक वाला जो है आपको बना के देना पड़ेगा, यूरो पास सीवी बना के देना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो भाई चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।